आपको लगा होगा मैं फोन पे क्या कर रहा हूँ, आई मीन्स बुक टॉक की बात है, लेकिन लेट मी टेल यू, फोन जो है ना उसमें बहुत सारे ऐप्स आते हैं, बट किंडल भी एक ऐप है जिसमें आप किताबें पढ़ सकते हैं, और आज वही चीज मैं कर रहा हूँ। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हैबिट पर आज करना चाहूंगा। एटॉमिक हैबिट नाम की एक किताब है, इंस्टा पर मैंने कुछ रील्स देखी थी, और 5 किताबें ऐसी पढ़िए तो ये हो जाएगा, वो पढ़िए तो ऐसा हो जाएगा, तो ये सारी किताबों जो 5-5 किताबों के जो रील्स होती थी छोटी छोटी, उसमें मैंने बार बार एक किताब को देखा, एटॉमिक हैबिट्स। और लकीली ये किताब जो है मैंने कुछ 2 साल पहले पढ़ी थी, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ी थी, और इस पर मैंने एक बुक टॉक भी लिया था। तो आज किंडल में वही किताब मैं पढ़ रहा था, और जेम्स क्लियर नाम के एक ऑथर ने इस किताब को लिखी है। जेम्स क्लियर मेरे और आपकी तरह ही है, अगर उनकी कहानी पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में किताब में उनकी कहानी आती है कि वो स्कूल में थे और बेसबॉल खेलते वक्त उनको एक इंजरी हो गई, उनको सिर पर चोट लग गई, उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा, और जब वो हॉस्पिटल में थे, बेड पे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, बस आराम कर रहे थे, रिकवर कर रहे थे, तो उस टाइम पर उन्होंने अपने जीवन को समझने की कोशिश की, थोड़ा अंदर जाकर इंटरनल एनालिसिस किया, और फिर जेम्स को पता चलता है कि छोटी छोटी चीजें अगर वो स्टार्ट करें, जैसे कि हर रोज 2-3 पन्ने पढ़ना किताब के, जिम में जाना, एक्सरसाइज करना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, 1-2 पन्ने लिखना, राइटिंग करना, वो उन्होंने स्टार्ट किया और वो एक राइटर बन गए, क्योंकि उन्होंने ये छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन का पार्ट बना लिया था। कॉलेज के कुछ 3-4 साल जब वो रहे, हर रोज वो जिम जाते थे, हर रोज शाम को वो कुछ लिखते थे और हर रोज कुछ पढ़ते थे, यही आदतों की वजह से वो राइटर बन गए। हर रोज जिम में जाते थे, उसकी वजह से कॉलेज में जो एक शूटिंग हुआ कॉलेज की प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट के लिए, तो उनको सिलेक्ट किया गया क्योंकि उनकी बॉडी कॉलेज के बाकी स्टूडेंट से सबसे अच्छी थी। ये रिजल्ट जो उनको मिला ना, वो छोटी छोटी आदतों की वजह से मिला। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, किताब से ही है। ब्रिटिश साइक्लिस्ट्स का परफॉर्मेंस 1908 से बहुत ही खराब था। 1908 के बाद ब्रिटिश साइक्लिस्ट ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था, ना तो टूर डे फ्रांस में, ना तो ओलंपिक गेम्स में। तो 2003 में ब्रिटिश साइक्लिस्ट की जो टीम थी, जो इंचार्ज थे स्पोर्ट्स कमिटी के, वो एक डेव ब्रेल्सफोर्ड नाम के व्यक्ति को अपॉइंट करते और कहते हैं कि डेव आप कुछ ऐसा कीजिए, कुछ जादू चलाइए कि हमारे जो ब्रिटिश साइक्लिस्ट हैं उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। 2008 में जब चाइना में ओलंपिक्स हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने डेव को अपॉइंट किया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप डेव की जगह पर होते और आपको अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती कि आपको अपनी जो नेशनल साइक्लिस्ट टीम है उसमें बड़े बड़े बदलाव करने हैं, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि बड़ी बड़ी साइकिल्स लेकर आइए, अच्छी साइकिल्स लेकर आइए, ये सारी चीजें कीजिए। लेकिन डेव ने ऐसा नहीं किया। डेव ने क्या किया पता है? डेव ने छोटे छोटे पॉइंट्स को एनालाइज किया, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स किए। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइक्लिस्ट जो हैं उनकी जो साइकिल की सीट है उसको बहुत नहीं, लेकिन अगर थोड़ी और कंफर्टेबल बनाई जाए, लेट्स से 1% अगर अच्छी बनाई जाए, तो भी परफॉर्मेंस में 1% जितना इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर जो साइक्लिस्ट हैं वो आराम करते हैं जब रात को सोते हैं, तो उनको दुनिया का सबसे बेस्ट गद्दा प्रोवाइड किया जाए ताकि उनके बॉडी को मैक्सिमम आराम मिले और आराम से वो रिफ्रेश होंगे, रिवाइटलाइज होंगे और फिर वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ऐसे 1% वाले जो छोटे छोटे चेंजेस हैं वो डेव ने किए, और 2008 में जब बेजिंग ओलंपिक हुआ, लगभग 110 साल के बाद ब्रिटिश साइक्लिस्ट ने गोल्ड मेडल जीता। टूर डे फ्रांस में भी वही रहा, वो लोग जीतने लगे। लंदन ओलंपिक्स में भी काफी सारे मेडल्स जो हैं वो ब्रिटिश साइक्लिस्ट लेकर आए, और इनके पीछे थे डेव ब्रेल्सफोर्ड। और डेव ब्रेल्सफोर्ड ने क्या कहा, क्या किया, उन्होंने छोटे छोटे बदलाव किए, और ये छोटे छोटे बदलाव हर रोज उनका इम्प्लीमेंटेशन जब होने लगा तो बड़े रिजल्ट्स देखने को मिले। वैसे ही एक व्यक्ति है, आपने शायद पोलगार सिस्टर्स का नाम सुना होगा। 3 बहनें थी, उनकी सरनेम है पोलगार, लेज़लो पोलगार नाम के एक व्यक्ति थे। इनकी ये 3 बेटियां, जब पहली बेटी का जन्म हुआ
तो मिस्टर पोलगार ने अपनी बेटी को चेस खिलाना स्टार्ट किया, वो चेस खेलने लगी। यहां तक कि घर के जो कर्टेंस थे, पर्दे थे, वो भी चेस की डिजाइन के थे। बच्चों के लिए सिर्फ एक ही चीज थी, एक ही खिलौना था, एंड दैट वाज चेस। उसके बाद दूसरी बेटी का जन्म हुआ, वो और बड़ी बेटी चेस खेलने लगी एक दूसरे के साथ। तीसरी बेटी का जन्म हुआ, ये तीनों बहनें बस एक ही गेम खेलती थी पढ़ाई लिखाई के बाद, दे यूज्ड टू प्ले चेस। और एक के बाद एक तीनों बेटियां जो हैं वो दुनिया की टॉप लेवल की चेस प्लेयर बनी, बहुत सारे मेडल्स भी उन्होंने जीते हैं। और ये जो मिस्टर पोलगार थे, इनके पिता हैं, वो इस बात को मानते थे कि अगर कंसिस्टेंटली हर रोज किसी चीज की प्रैक्टिस की जाए तो आप उसमें बेस्ट बन सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि कई लोग जन्म से ही कुछ टैलेंट लेकर आते हैं, हाँ, लेकिन टैलेंट विदाउट प्रैक्टिस इज नथिंग। आपके अंदर टैलेंट है, आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करें, प्रैक्टिस नहीं करें, उसकी अपनी स्किल्स को वर्ल्ड क्लास लेवल पर कभी लेकर ही नहीं जाते हैं, तो आप कभी भी अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। ये किताब एटॉमिक हैबिट्स इन्हीं बातों पर है। इसमें बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक आपको नजस मिलेंगे, ऐसे बहुत सारी बातें मिलेंगी जो अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो आप भी अपने जीवन में अच्छी आदतें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जो बुरी आदतें हैं उनको हटाकर अच्छी आदतों को आपके जीवन में उतार पाएंगे। बुरी आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस कैसे करते हैं उसको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इस किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत किताब है, एंड आई हाईली रिकमेंड कि अगर आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो बुरी आदत हमारी होती ही। कई बार ऐसा होता है कि हमारी थिंकिंग की हैबिट ऐसी हो जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता और हम नेगेटिव थिंकिंग ही करते रहते हैं, हम रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, राइट? कोई ऐसे लोग हैं जिनको अपनी आदतें चेंज करनी है, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक बात बताई है कि हम हमेशा गोल को ध्यान में रखते हुए हमारी आदतों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस किताब में ये बताया गया है कि गोल नहीं, आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आलसी हैं और अगर आपको आलस को अपने जीवन में से हटाना है, तो आपका गोल रहा है कि आपको एक्टिव बनना है, आलसी नहीं रहना है, लेकिन जब तक आप अपने जहन में ये बात को चेंज नहीं कर, जब तक आपकी आइडेंटिटी ये चेंज नहीं होगी कि आप आलसी व्यक्ति नहीं है, आप एक एक्टिव व्यक्ति हैं, तब तक आपको वो फाइनल रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इस किताब को पढ़िए, इसमें बताई गई जो साइंटिफिक चीज़ें हैं उनको अपने जीवन में इंप्लीमेंट कीजिए। आई कैन टेल यू कि यू कैन चेंज योर हैबिट। और हैबिट पर इतना ज़्यादा फोकस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एक हमारा जो दिन होता है ना दोस्तों, उसमें 90% जितनी चीजें 90% जितनी चीजें हम आदतों की वजह से करते हैं, 10% चीजें ऐसी होगी जो आप कॉन्शियसली करते हैं, वरना तो हर रोज का जो शेड्यूल है, हर रोज की जो साइकिल है, वही हमारे जीवन में रिपीट होती रहती है। उस साइकिल को कैसे तोड़ना है, कैसे नई हैबिट्स को डेवलप करना है, ये सारी चीजें आपको जेम्स क्लियर की यह किताब एटॉमिक हैबिट्स में पढ़ने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज प्रशांत मावानी। जय हिंद।